वर्तमान समय में बाजारों की संख्या बढ़ रही है। पहले मार्केट कम हुआ करते थे। आपको याद होगा कि पहले समय में गांव में 2-4-10 दुकानें होती थी, या तो टॉफी बिस्किट की होती थी या परचूनी की होती थी, 2-4-10 दुकानों से ज़्यादा दुकान नहीं होती थी। और ज़्यादा हो तो, मैंने बताया था अभी परसों नरसों चर्चा हुई थी कि हाट लगती थी, बाज़ार लगते थे, कहीं बुधवार को, कहीं मंगलवार को, कहीं गुरुवार को बाज़ार लगते थे। जो भी सामान खरीदना होता था सप्ताह में एक बार बाज़ार आ जाता था और बाज़ार चला जाता था और सामान खरीद लेते थे। वर्तमान समय में हर गली में बाजार है, हर गली में दुकान है। अब और तो और छोड़ो, आपके मोबाइल में दुकान खुल गई। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये जो बाजार है वो शरीर का बाजार है या आत्मा का बाजार है? अरे बोलिए ना। बाजार में जो सामान मिलता है वो शरीर के लिए मिलता है या आत्मा के लिए मिलता है? शरीर को सुखी करने वाला सामान है या आत्मा को सुखी करने वाला सामान है? अच्छा, शरीर को सुखी करने वाला सामान है। किसको? जिससे शरीर को सुख मिले वो चीज़ बाजार में मिलती है। बाजार में क्या मिलता है? जो शरीर को सुखी करे। किसको सुखी करे? भाई एसी की दुकान है, कूलर की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, सोने चांदी की दुकान है, खाने पीने की दुकान है, श्रृंगार की दुकान है, भंगार की दुकान है, भंगार है, इन्हीं चीज़ों की तो दुकान है। इसके अलावा कुछ और हो तो बताओ। मोबाइल की दुकान है, मोबाइल सुधारने की दुकान है, मोबाइल मिलने की दुकान है। अब तुम्हारे श्रृंगार में सारा आ गया, सिर से लेके पैर तक जो जो चाहिए सब आ गया श्रृंगार में। कपड़ों में सारे कपड़े आ गए, साड़ी भी आ गई, सूट भी आ गई। अभी कुछ साल पहले एक भैया कलकत्ता से आए थे, उनका साड़ियों का काम था। बोले माता जी बहुत परेशानी में है आजकल। भाई बात क्या है? साड़ियाँ नहीं बिक रही हैं। क्या परेशानी थी? महिलाओं ने साड़ियाँ पहननी बंद कर दी। उनकी श्रीमती जी बैठी थी, वहीं बैठी थी साथ में ही, वो सूट पहनी थी। उनकी श्रीमती जी सूट पहनी थी। मैंने कहा परेशानी का कारण तुम्हारा घर से शुरू हो रहा है। जब तुम्हारी श्रीमती जी साड़ी नहीं पहन रही हैं तो कौन साड़ी पहनेगा? तुम साड़ी वाले हो और तुम्हारी श्रीमती साड़ी नहीं पहन रही है। पहले तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था, सिंपल सी साड़ियाँ मिलती थी बाज़ार में, खरीद के लाते थे, पहन लेते थे। 2-4-10 तरह की साड़ियाँ होती थी। एक साटन की साड़ी हो गई, एक बनारस की साड़ी हो गई, एक कर्नाटक की साड़ी हो गई, एक इधर की साड़ी हो गई। 2-4-10 तरह की साड़ियाँ होती थी। और अब दुकान में जाओ तो आँखें घूम जाती हैं, कौन सी खरीदूँ? ये नहीं, ये अच्छी लग रही नहीं, ये भी ले लो, ये भी ले लो। एक खरीदने जाते हैं और चार खरीद के लाते हैं। तो सारा बाजार, सारे संसार का, केवल भारत का नहीं, सारे संसार का बाजार केवल 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 शरीर को सुखी करने के लिए है। आत्मा को सुखी करने का कौन सा स्थान है बताइए? मंदिर। कितने लोग आते हैं आजकल मंदिर? युवा तो कट गए आजकल, 75% युवा, 25 तो अभी भी
समर्पित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। ये नहीं कह सकती भी 100%। 25% 30% युवा आज भी धर्म के प्रति, सेवा के प्रति, भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। 20-30% जो हैं, कभी कभी प्रोग्राम हो जाता है, मंदिर चले जाते हैं, माँ कह देती है तो चले जाते हैं, कभी छोड़ने चले जाते हैं, कभी लेने चले जाते हैं, इस तरह वाले हैं 30%। और 40% युवाओं ने तो मंदिर आना ही बंद कर दिया। अब उनकी भी क्या गलती, तुमने पढ़ाई ऐसी करवाई है। मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा सीए बने, बन गया, अब 18-18 घंटे काम कर रहा है। अब जो लड़का 18 घंटे काम करेगा उसके शरीर का तो कचूमर निकल जाएगा। 8 घंटे से ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती है, 8 घंटे 10 घंटे से ज़्यादा शरीर काम नहीं करता है, और करेगा तो वो समय से पहले ख़राब हो जाएगा। और आजकल के बच्चे भाई 12 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, नींबू की तरह निचोड़ लिया, तब ये पैकेज मिला, ये ऐसे ही नहीं मिला है। तो 40% युवाओं ने मंदिर आना छोड़ दिया। कारण क्या है? पति भी काम करता है, पत्नी भी काम करती है, अब दोनों नौकरी पे जाते हैं, दोनों 8 घंटे 10 घंटे बाद आते हैं घर में। अब वो जो 8 घंटे 10 घंटे जो दिमाग से काम करके आए हैं, दिमाग खाली हो गया, अब भगवान का नाम याद आने वाला नहीं है, अब आपको धर्म याद आने वाला नहीं है। कितना भी आप मेहनत कर लो, कितनी भी आप प्रयास पुरुषार्थ कर लो, यदि इतनी मेहनत यदि कोई कर रहा है दिमाग से, क्योंकि कंप्यूटर में बैठ के दिमाग ही ज़्यादा काम करता है, उंगलियां चलती हैं हल्की फुल्की उंगलियां चलती हैं बस, बाकी तो सारा का सारा दिमाग चलता है, और जितना ज़्यादा दिमाग चलता है उतनी ज़्यादा थकान हो जाती है। शरीर से काम करने वाला कम थकता है, दिमाग से काम करने वाला जल्दी थक जाता है। तो 40% युवाओं ने मंदिर आना छोड़ दिया है, उसमें लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। कुछ लोगों ने फैशन में छोड़ दिया है। हाँ, मंदिर तो पुराने लोग जाते हैं, युवा लोग थोड़ी मंदिर जाते हैं। यदि कोई युवा अवस्था में धर्म करने लगे, अरे बड़ा भगत बना फिर रहा है, अरे ये तो पुजारी बन गया, अरे ये तो बात आजकल ज़्यादा ज़्यादा भगवान भगवान के चक्कर में पड़ गया, अरे आजकल ये तो साधु संतों के चक्कर में पड़ गया, अब कोई कर भी रहा होगा तो जो नहीं करते हैं वो उसको खींचते हैं, टॉन्ट करते हैं, व्यंग्य करते हैं, अब वो कर भी रहा होगा तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि केवल जॉब में जाने वाले बच्चे ही धर्म नहीं करते हैं, जो घर में महिलाएं रह रही हैं टीवी मोबाइल सीरियल में इस तरह से उलझ गई हैं कि उन्हें भगवान और मंदिर याद नहीं आता है। बात शुरू हुई थी कि सारा बाजार शरीर के लिए है, सारा बाजार शरीर को सुखी करने के लिए है। शरीर सुखी हुआ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी बता दे कि वो अपने शरीर से पूर्ण रूप से सुखी हैं, उनका शरीर कहीं से कहीं तक उन्हें दुखी नहीं करता है। अरे बोलिए ना, इतने बाजार खुलने के बाद भी शरीर पूरा सुखी है कोई एक व्यक्ति बता दे। पहले के समय में चूल्हे में भोजन बनाते थे, हाथ से आटा पीसते थे, कुएं से पानी भरकर लाते थे, ऐसे ही था ना। आपने किया है, हमारे पुरानी महिलाओं ने किया हुआ है ना। तो लोग जिस समय थोड़ा थोड़ा गैस आई, सिगड़ी आई, कोयला आया है, हाँ, तो वो चूल्हा छूट गया, कोयले में आ गए, कोयला छूट गया, बुरादे में आ गए,
बुरादा छूट गया, स्टोव में आ गए, स्टोव छूट गया, अरे बोलिए ना, गैस में आ गए। अब किसी की दो लड़कियां हैं और एक के घर में चूल्हा में काम होता है और एक के घर में गैस में काम होता है, उसके मम्मी पापा किसको सुखी मानेंगे? अरे कि मेरी बेटी कौन सी वाली सुखी है, जो गैस में काम करती है जो चूल्हे में काम करती है? और जबकि स्वास्थ्य किसमें है? चूल्हे में। यानी कि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, यदि घर में चूल्हा जलता है तो घर में हीटर जलाने की जरूरत नहीं रहती है। घर में यदि चूल्हा जलता है तो सारा घर उस चूल्हे की आंच से गर्म हो जाता है, अपने आप ही एयर कंडीशनर हो गया, अपने आप ही एसी हो गया, करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले चूल्हे में काम करते थे फिर भी ये आंखें 80 साल तक बढ़िया चलती थी। बोलिए, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज गैस में काम करते हैं और चश्मा फिर भी लगा हुआ है। चूल्हे में जो आंच निकलती है, चूल्हे में अग्नि की जो आंच निकलती है, उस आंच से आधी बीमारियां महिलाओं की वैसे ही ठीक हो जाती थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? चूल्हे की आंच से महिलाओं की आधी बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाती थी। और अब वो गैस जलता है तो ना घर गर्म होता है, ना शरीर को स्वाद, और जो भोजन बन रहा है गैस में बनाओगे तो पेट में जाके क्या बनती है? फिर तो भाई चूल्हे से तुम गैस में आ गए, सुखी हुए? अरे मैं सुख पूछ रही हूं, सारा बाजार जो शरीर को सुखी करने में लगा पड़ा है ना, तो मैं ये आपसे रिजल्ट जानना चाहती हूं कि सुखी हुए कि नहीं हुए। पहले की महिलाएं चक्की पीसती थी, है ना? कैसे आटा कैसे पीसता था? हाथ की चक्की से। पूरी मेहनत करती थी, शरीर का एक एक नस, एक एक हड्डी काम करती थी, और ना कमर की बीमारी होती थी और ना घुटने की बीमारी होती थी। ऐसे ही है ना, ना कमर की बीमारी होती थी और ना घुटने की बीमारी होती थी। आराम से 80 साल तक बढ़िया चलते थे। अब तो चक्की नहीं पीसनी पड़ती है, तो सुखी हुए? हमारी आने वाली महिलाएं बताएंगी, युवा महिलाएं बताएंगी, सुखी हुए नहीं हुए? अच्छा, पहले जो चटनी पीसते थे वो सिलवट्टा में पीसते थे, है ना? चटनी में स्वाद भी आता था, अब तो बटन दबाओ। अच्छा, तो तुम्हारे घर में मिक्सी आ गई, शरीर सुखी हुआ नहीं हुआ? ओहो, ये सारे साधन किसके लिए थे? सुख के लिए। सुखी हुए नहीं हुए? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, अपने चूल्हे में वापस आ जाओ, अपने सिलवट्टे में वापस आ जाओ, और अपनी चक्की में वापस आ जाओ। ये गारंटी है कि आपका आधा स्वास्थ्य वापस आ जाएगा। इस शरीर के लिए कितनी मशीनें बना देना, ये शरीर कभी सुखी होने वाला नहीं है, क्योंकि इस शरीर का जो पंचम काल का शरीर है, कर्म भूमि का शरीर है, ये मेहनत करने के लिए बना है। और इससे मेहनत नहीं करवाओगे, मशीनों से काम करोगे, तो ये उल्टा दुखी और कर देगा। सारे बाजार इकट्ठा कर लो अपने घर में, ये मशीन ले आओ, ये मशीन ले आओ, हैं इसमें खाना गर्म रहता है 6 घंटे तक, इसमें दूध गर्म रहता है 6 घंटे तक। सबका प्रभाव उल्टा है, किसी का प्रभाव भी सीधा नहीं है। पहले चूल्हे में भोजन बनता था तो भोजन ज़्यादा देर तक गर्म रहता था, अब वो गैस में बनता है फटाफट ठंडा हो जाता है। पहले घर में कुकर नहीं होते थे, कुकर होते थे क्या पहले चूल्हे के समय में? कुकर नहीं होते थे। और अब पहले तो कोई सीटी मार दे तो लड़ाई हो जाती थी, अब तो सीटी का इंतजार करते हैं, एक सीटी आई है, दो और आनी है अभी तो।
एक बताने वाली बात है कि जितना जितना सुख का समय बढ़ रहा है उतना उतना दुख बढ़ रहा है। चूल्हा जलाने में टाइम लगता था, गैस जलाने में टाइम लगता है क्या? नहीं लगता। समय बचा ना आपका? अरे बोलिए ना, समय बचा कि नहीं बचा? अच्छा, गैस की भी ज़रूरत नहीं रह गई? ओहो हो हो, मतलब सुख के साधन बढ़ते जा रहे और आप सुखी होते जा रहे, है ना? आप सुखी होते जा रहे कि दुखी होते जा रहे? दुखी होते जा रहे। तो एक आप कितना भी आप सुख के साधन इकट्ठे कर लेना, सुख के साधन सुख नहीं दे सकते हैं। यदि सुख आएगा तो साधना से आएगा। किससे आएगा? साधना से। और उस साधना से शरीर भी सुखी रहेगा और आत्मा भी सुखी रहेगी। देव शास्त्र गुरु को रुपए चढ़ाने चाहिए या पैसे चढ़ाने चाहिए? किसी शास्त्र में लिखा है क्या? अरे बोलिए ना, ये हिंदू परंपरा में है कि वहाँ पर पैसे चढ़ाए जाते हैं। भाई परंपरा अपनी अपनी है, लेकिन जैन धर्म में तो पैसे चढ़ाने का कहीं विधान है ही नहीं, फिर भी चिल्लर डाल लेते हैं चावल के साथ, लो भगवान जी। भाई कल्पना करते होंगे, जो देंगे वही मिलेगा, जो चढ़ाएंगे तो 10 के 100 तो मिल ही जाएंगे। नहीं, यहाँ पैसे नहीं चढ़ाए जाते, पैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दो जनों का काम हो गया। कोई बात नहीं, जिसने चढ़ाया उसको पता है, उसने सुन लिया। तो बात चल रही है कि सुखी होने के लिए सारे बाजार खुल गए, अब यहाँ तक कि बाजार भी नहीं जाना पड़ता सामान लेने के लिए। पहले तो झोला लेते थे, पैसा लेते थे और लेकर फिर बाजार जाते थे, बाजार से सामान खरीद के लाते थे। अब तो बस बटन दबाओ, बाजार घर में आ गया। बटन दबाओ, बाजार घर में आ गया। इतनी सुविधाएं और इतने साधन हो गए हैं कि तुम्हें हिलने की भी ज़रूरत नहीं है, और तुम जितना नहीं हिलोगे उतने बीमार हो जाओगे, और जितनी मेहनत करोगे उतने स्वस्थ रहोगे। बात मुझे कुछ और करनी है। ये जो श्लोक चल रहा है, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्, कि जो पुद्गल का अभिनंदन करता है, ना जातु जंतो सामीप्यम चतुर गतिषु मुंचति, जो पुद्गल का अभिनंदन करता है, पुद्गल का सम्मान करता है, पुद्गल की देखरेख करता है, पुद्गल को सजाता है, पुद्गल को संवारता है, पुद्गल उसे चारों गतियों में नहीं छोड़ता है। यानी चतुर्गति के भ्रमण से निकलने वाले नहीं हो। चतुर्गति के भ्रमण से निकलना चाहते हो कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सुखी होना चाहते हो कि नहीं? तो चार गतियों में सुख है क्या? नहीं है। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि आप मैं कोई भी हो, जो जीव पुद्गल का अभिनंदन करता है, पुद्गल उसे चारों गतियों में नहीं छोड़ता है, उसके पीछे पीछे आता है, उसके साथ साथ आता है, छोड़ता नहीं है। और अभी सारा संसार किसका अभिनंदन कर रहा है? अरे बोलिए ना, पुद्गल का। नहीं, मतलब पहले तो ये पुद्गल के अभिनंदन के साधन कम थे और अब तो ये साधन चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर प्राप्त हो रहे। दिमाग 24 से 24 घंटे पुद्गल के अलावा एक क्षण के लिए, पलक झपकने के बराबर समय के लिए भी आत्मा में नहीं जाता है। आत्मा कितनी देर याद रहती है और पुद्गल कितनी देर याद रहता है? सो के उठ के लेके
और रात को सोने तक कौन याद रहता है, ये लाना है, वो करना है, ऐसा करना, उसका ऐसा कर दिया, उसको ऐसा कहना, उसको वो बोलना, वहाँ से वो मंगाना है, अब ये खाना है, अब वो खाना है, अब चाय का टाइम हो गया, अब नाश्ते का टाइम हो गया, अब खाने का टाइम हो गया, अब तू भी खा ले, अब मैं भी खा लूँ, अब वो आ जाए तो वो खा ले, जो उसका टिफ़िन दिया, अब ऐसा कर ले। 24 घंटे दुकान में खड़े हैं तो पुद्गल, घर में है तो पुद्गल, बाहर जा रहे तो पुद्गल, शादी में हैं तो पुद्गल, बैठे हैं तो पुद्गल, सोच रहे हैं तो। इतना सम्मान, यानी कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसे हम याद करते हैं। अरे बोलिए ना, जिसको हम प्रेम करते हैं उसे हम याद करते हैं। तो दिन भर याद कौन रहता है, पुद्गल या आत्मा? कौन याद रहता है? पुद्गल। इसका मतलब प्रेम किससे चल रहा है? पुद्गल से चल रहा है। तो जिससे प्रेम करोगे वो साथ जाएगा, वो साथ रहेगा, छोड़ने वाला नहीं है। पहले तो कैमरे कम होते थे, स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचानी पड़ती थी, और अब बस में बैठे तो, गाड़ी में बैठे तो, प्लेन में बैठे तो, सड़क पे खड़े तो, चाय पी रहे तो, शुरू स्टार्ट। पहले तो दूसरा चाहिए पड़ता था फोटो खींचने के लिए, कि सामने वाला वहाँ खड़ा है और तुम यहाँ खड़े हो, तब फोटो खींचती थी। और अब तो ऐसी सुविधाएं हैं कि 24 घंटे इसी में डूबे रहो, एक क्षण को भी नहीं निकल सकते बाहर। मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो भगवान तो बाद में देखेंगे, बढ़िया है, शुरू स्टार्ट। अब दूसरे की जरूरत ही नहीं फोटो खींचने में, खुद ही खींच लो। कई बार तो इतनी मुझे हंसी आती है, मतलब ये बीमारी बच्चों में तो है ही है, लेकिन ये बीमारी हमारे बुजुर्गों में भी आ गई है। अब एक महिला खड़ी, अब वो डायरेक्शन बना रही है, एंगल बना रही है कि माताजी के साथ मुझे सेल्फी लेनी है। बड़ी उम्र की महिला, कभी इधर करती कभी इधर करती, अब माता जी तो दिख ही नहीं रही उसमें। अब मैं हंस रही हूँ कि बताओ, अभी इनको भी ये बीमारी लग गई। अच्छा ये बताओ, फोटो आत्मा की होती है कि पुद्गल की होती है? फोटो किसकी होती है? और खुश कौन होता है देख करके? आत्मा हो रही है, पुद्गल को देख करके आत्मा खुश हो रही कि ये कितनी बढ़िया फोटो आई मेरी, कितने बढ़िया, भाई इस कपड़े में बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहना माता जी समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन अभी दिमाग तक आ रहा है, दिल तक नहीं जाएगा अभी। अभी जो चल रहा है उसको छोड़ने वाले तो नहीं। यदि सुखी होना है, यदि वास्तव में साधना करनी है, तो मार्ग तो ये ही है। पुद्गल से छूटना है तो मार्ग तो ये ही है, जो आचार्य भगवान आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, भगवान महावीर ने बताया है। मार्ग तो ये ही है, दूसरा मार्ग तो है ही नहीं है। जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तूर लियो जग कीच में, जिसके बिना भगवान को मोक्ष नहीं हुआ है तो हमें कैसे हो जाए। रास्ता तो यही, रास्ता दूसरा नहीं है। चलिए समय हो गया, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, भोजन में भात का, तीर्थंकरों ने में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में मुंबई का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का, इंदौर, नेता के दौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का,
नलवाड़ी आसाम, सुबह के बाद शाम का, व्यापारियों में दाम का और आने वालों में नलवाड़ी आसाम का बड़ा ही महत्व है। नागपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में नागपुर और उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, आने वालों में बांसवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का और आने वालों में विदिशा का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, डीमापुर, जयपुर, जबलपुर, उदयपुर, सारे इकट्ठे हो जाओ पुर वाले। विरोदय, आगम में नए का, मनुष्यों की वय का और आने वालों में विरोदय का बड़ा ही महत्व है। बहु में सास का, लेने में सांस का और आने वालों में देवास का। अच्छा, अंगुली में रिंग का, अंगुली में रिंग का और जंगल में सिंह का और आने वाले में टोड़ा राय सिंह का। हो गए सारे पीछे वाले। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का बड़ा ही महत्व है। जयपुर का बोल दिया, बोल दिया। बोलिए चौबीसों भगवान। सावन में बिया का, राम की सिया का और आने वालों में बिजौलिया का बिजौला ही महत्व है। चलिए हाँ, मुरादाबाद वाले बैठे। देने में दाद का, लड्डू में गाद का और आने वालों में मुरादाबाद का